नमस्ते जी, मैं ऋषि राजार्य सत्यपथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अग्निहोत्र ही मानव जीवन को यज्ञमय बनाता है। यह वह मार्ग है जिस पर चलकर मानव में मानवीय गुणों का विकास होता है और वह मानव से देवता बनता है। यद्यपि अग्निहोत्र यज्ञ का प्रतीक माना जाता है, फिर भी अग्निहोत्र का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। आइए इसके महत्व को जानने का व समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, अग्निहोत्र वह प्रक्रिया है जिसमें अग्नि में आहूत किए जाने वाले चार प्रकार के द्रव्यों की आहुति दी जाती है। वह चार प्रकार के द्रव्य हैं सुगंधिकारक, पुष्टिकारक, मिष्टिकारक और रोगनाशक। सुगंधिकारक में केसर, कस्तूरी, जावित्री, जायफल आदि पदार्थ आते हैं। पुष्टिकारक में घृत, दूध, फल, चावल, अन्नादि आते हैं। मिष्टिकारक में मेवा, मिष्ठान, गुड़, शक्कर आदि पदार्थ आते हैं। और रोगनाशक में सोमलता, गिलोय, लौंग आदि औषधियाँ आती हैं। अग्निहोत्र का प्रयोजन इन सभी पदार्थों को अग्नि के माध्यम से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बनाकर वायुमंडल में फैलाना है। आप सब जानते ही होंगे, जब कोई वस्तु जलती है तो वह सूक्ष्म परमाणुओं में परिवर्तित हो जाती है। परमाणु हल्के होते हैं, अतः वह वायुमंडल में सर्वत्र दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिससे उनका वायु पर लाभप्रद प्रभाव होता है। वायुमंडल में फैलने से वायु में जो दुर्गंध होती है वह दूर हो जाती है। जिस प्रकार दुर्गंध हमारे मन के लिए अप्रिय व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, उसी प्रकार से केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, मेवा आदि नाना प्रकार के जो पदार्थ हमने यज्ञ में डाले हैं, अग्निहोत्र में की डाले हैं, यज्ञ में डाले हैं, वह सूक्ष्म परमाणुओं में विभक्त होकर वायुमंडल में फैल जाते हैं और वायु से दुर्गंध को दूर करके वायु को स्वच्छ, रोगनाशक, स्वास्थ्यप्रद बनाते हैं। मित्रों, अग्निहोत्र के मुख्यतः तीन अंग बताए हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देव पूजा के संबंध में चर्चा करेंगे। देव पूजा अर्थात देवताओं की पूजा। मित्रों, देवता दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं जड़ देवता, दूसरे होते हैं चेतन देवता। जड़ देवता में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा आदि देवता आते हैं और चेतन देवता में माता पिता, गुरु आदि आते हैं। यज्ञ ही जड़ देवताओं का मुख है व आत्मा है। इन सारे देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है। महर्षि आजवलक कहते भी हैं, अग्निर्वई देवानाम मुखम, अग्नि ही देवताओं का मुख है, क्योंकि सारे देवताओं के निकट पहुंचकर उनकी पूजा करना असंभव कार्य है। जबकि पौराणिक पूजा पाठ में लोग सूर्य की पूजा, सूर्य को जल चढ़ाकर करते हैं, जबकि यह कार्य बुद्धि व विज्ञान के पूर्णतः विपरीत है। आप खुद ही देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतर 14,88,00,000 मील है, तो भला धरती पर रहने वाला व्यक्ति सूर्य की पूजा कैसे कर सकता है। ऐसे ही मुझे घटना याद आती है, हम लोग एक बार वेद प्रचार कार्यक्रम के लिए गए। एक महाशय जी प्रातः सुबह उठकर सूर्य की ओर मुख करके जल चढ़ा रहे थे, अर्घ दे रहे थे सूर्य को। हमने महाशय जी से पूछा, महाशय जी आप ये क्या कर रहे हैं। महाशय जी बोले, बेटा हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। हमने कहा, महाशय जी आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य को जल क्यों चढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं, हम सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, सूर्य की, सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं। मैंने कहा, आपकी ये बात तो सही है, पूजा करनी है आपको, पूजा करनी है, आपका उद्देश्य तो सही है, लेकिन आप पूजा कर किस प्रकार से रहे हैं। आप जल सूर्य को चढ़ा रहे हैं, जाते हुए पृथ्वी पर रहा है। महाशय जी इस बात से निरुत्तर हो गए। हमने महाशय जी को समझाया, देखिए महाशय जी, आप सूर्य की पूजा कर रहे हैं लेकिन जल पृथ्वी पर जा रहा है, क्योंकि जल का आधार पृथ्वी है। अगर आपको सूर्य की और समस्त देवताओं की पूजा करनी है तो आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, क्योंकि हवन में डाली हुई आहुति अग्नि के माध्यम से सीधे सूर्य तक जाती है, क्योंकि अग्नि का आधार सूर्य ऊपर है। अग्नि की किरणें सदा ऊपर को जाती हैं, अग्नि में आहुति डालते हैं, अग्नि की किरणें आहुति लेके ऊपर को जाती हैं। महर्षि मनु कहते भी हैं, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते,
आदित्यात जायते वृष्टि वृष्टिरन्नम तथा प्रजा, अर्थात अग्नि में डाली हुई आहुति सीधे देवलोक में जाती है, देवलोक से सभी देवताओं को बढ़ जाती है, देवता प्रसन्न होते हैं जिससे वृष्टि होती है, वृष्टि से सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। यह है यज्ञ की वैज्ञानिक प्रक्रिया। जैसे मुख से भोजन करने से संपूर्ण शरीर का संचार होता है, उसी प्रकार अग्नि में आहुति डालने से, यज्ञ करने से समस्त जड़ देवताओं को संतुष्टि व तृप्ति होती है। जैसे अग्नि में सुगंधिकारक, पुष्टिकारक, रोगनाशक औषधियों से मिश्रित हवन सामग्री और गौघृत की आहुति अग्नि में डालते हैं तो अग्नि की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है, जो कि अग्नि का धर्म है। और वहीं अग्नि की गर्मी से गुणकारी हवा, जो वायु है, गुणकारी हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर जाती है, जो वायु का धर्म है। आकाश में घी शीतल वातावरण के कारण जम जाता है, अर्थात आकाश में वायुमंडल में घी की परत जम जाती है। स्वच्छ व सुगंधित वायु संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वास्थ्य व सौंदर्य बलशाली बना देती है। अंतरिक्ष में इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बादल बनकर पृथ्वी पर जब घी, स्वच्छ वायु व वर्षा की मिश्रित बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं, पृथ्वी का कण कण सुगंधित व उपजाऊ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर अन्न, फल, फूल आदि औषधियाँ विशेष मधुर रस से भरपूर होते हैं, जो मानव व अन्य पशु पक्षियों के लिए स्वादिष्ट व बलवर्धक होते हैं। कहते हैं कि विश्ववेता सिकंदर के महामंत्री सेल्यूकस ने भारत विजय के दौरान, भारत में युद्ध के दौरान, जब भारत में मिट्टी के बर्तनों में भोजन किया, जल पिया, तो उसमें से निकलने वाली सौंधी मिट्टी खुशबू से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने यूनान में पहुंचकर मिट्टी के बर्तनों में जब भोजन किया, मिट्टी के बर्तन बनवाए, विशेष प्रकार से बनवाए, लेकिन उनमें भी वो सुगंध नहीं निकली, तो उसने भारत से इस रहस्य का पता लगाया, तो उसे पता लगा कि भारत यज्ञ भूमि है, इसकी मिट्टी में अमृत बहता है, जो विशेष मधुर रस से भरपूर है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ समय निकालकर यज्ञ अवश्य करना चाहिए। वैसे भी संसार का प्रत्येक मनुष्य दुर्गंध फैलाता है, वायुमंडल को दूषित करता है, इसलिए उसका फर्ज है कि वह वायुमंडल को स्वच्छ, रोगनाशक व बलवर्धक बनाए। तो इसलिए, और ऐसा ना करने से वह बहुत बड़े पाप का भागी होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय निकाल कर यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो आइए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे संगतिकरण व दान की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आइए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी को यज्ञ की महिमा का पता लगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यज्ञ की महिमा पर लगभग सत्यपथ के माध्यम से आपको 30 वीडियो वैज्ञानिक विधि से यज्ञ की पूरी व्याख्या बताई जाएगी सत्यपथ चैनल पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सत्यपथ पे जो भी वीडियो आप डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।